प्रसूता की मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया डीजल बचाने का आरोप। प्रसूताओं का सुरक्षित प्रसव कराने के लिए सरकार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर लाखों रुपए का बजट खर्च कर रही है। इधर स्वास्थ्य केंद्र पर डीजल बचाने के लिए प्रबंधक प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहा। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में एक प्रसूता की डिलीवरी कराने का मामला खनियाधाना में सामने आया है। खनियाधाना स्वास्थ्य केंद्र वैसे तो जिले की सबसे खराब अस्पताल में गिनती होती है। इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं सूने हैं। बीते रोज रात 8 बजे स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता की डिलीवरी मोबाइल की सहायता से कराई गई, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं थी। लेकिन जनरेटर तो मौजूद था, परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि जो सरकार की तरफ से डीजल आता है उसकी बचत स्वास्थ्य केंद्र में की जाती है। पीड़ित रानी देवी निवासी चमरौवा ने बताया कि मैं अपनी बहू की डिलीवरी कराने खनियाधाना के स्वास्थ्य केंद्र में लाई थी। करीबन रात के 8 बजे की बात है, हम लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, बस अंधेरा था। इसलिए डॉक्टर ने नर्स के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर डिलीवरी की, जिसमें प्रसूता को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं थी। जिसके बाद प्रसूता एक तो उस दर्द को झेल रही थी और दूसरा गर्मी को। गुस्साए बुजुर्ग ने कहा कि इस अस्पताल में किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, हम जैसे बुजुर्ग ऐसे भटक रहे हैं। खनियाधाना जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि खनियाधाना में 101 पंचायत है और 500 से ज़्यादा गांव हैं, और सभी गांव वाले खनियाधाना के स्वास्थ्य केंद्र में ही अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, और यहाँ इतनी लापरवाही बढ़ती जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। 45 डिग्री के टेम्परेचर पर खोलता गर्म पानी पीने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य केंद्र में वाटर कूलर होने के बाद भी हम 45 डिग्री के टेम्परेचर में खोलता हुआ गर्म पानी पीना पड़ रहा है, जबकि वाटर कूलर अस्पताल में मौजूद है। बस लाइट की बचत करने के लिए परिजन और हमारे मरीजों को गर्म पानी पिलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में बाथरूम होने के बाद भी उसमें ताला डाल दिया जाता है। इन सब चीज़ों की जानकारी होते हुए भी अस्पताल प्रबंधन मूक बनकर तमाशा देखता है और बीमार लाचार आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। यह सब शिकायतें लगातार आला अधिकारियों को भी की जाती हैं, लेकिन जिले का मुखिया जब अपना खुद का कार्यालय सुरक्षित नहीं रख सकता तो 100 किलोमीटर दूर गांव की क्या देखभाल करेगा। ये सवाल खनियाधाना क्षेत्र की जनता पूछ रही है, जिसका जवाब देने वाला शायद कोई नहीं। क्या नाम है आपका? राम देवी। कहाँ से आई हैं आप? चमरौवा। किस लिए आई हैं? डिलीवरी भाई बहू। हाँ, तो क्या है पूरा मामला? मामला जो लाइट ना आती और हम बाहर आए, हम अपने पति से कही कि जनरेटर चालू करवाओ, तड़फड़ा भी लगी डिलीवरी और बच्चे तड़फड़ा रहे, हम बाहर आए किया तो फिर नहीं जनरेटर चालू करा। और आपने कहा कि जनरेटर क्यों चालू नहीं किया, तो क्या कहा? कला खराब है, जनरेटर खराब है, पानी कैसा आ रहा है वाटर कूलर? गर्म आ रहा है, गर्म आ रहा है। ये पीने लायक है? नहीं है पीने। कैसा पानी है? नहावे लायक है, जरकारी लायक। अच्छा, सर्दियों में नहाने लायक गर्म पानी आ रहा है? बहुत गर्म आ रहा है। आपने बोला डॉक्टर से तो क्या कहा? कि आज ऐसे ही पी लूं? आज ऐसे ही पी लूं। ठीक। क्या नाम है आपका? साकी। कहाँ से हो आप? देखू से आए। तो क्या घटना हुई थी आज? डिलीवरी भाई थी। हाँ, कैसे हुई डिलीवरी? लाइट की जा रहे भाई, जाए टॉर्च की, मोबाइल की टॉर्च। हाँ, फ्लैश से? हाँ, मोबाइल। और लाइट नहीं थी? नहीं थी लाइट। जनरेटर चालू नहीं किया गया? नहीं करो जनरेटर। काहे आपने कही तो का कही? कल हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जनरेटर खराब होने का बहाना ले लिया उनने और चालू नहीं किया? नहीं करी चालू। फिर आपने और आपके दामाद ने दोनों ने टॉर्च दिखाई है जब डिलीवरी हुई है? दामाद ने नहीं, नर्स ने। चलो ठीक। ब्लॉक है खनियाधाना, तो जब ब्लॉक में पानी नहीं मिला फिर काम नहीं। सही बात। कौन कौन लेके आए थे दादा इतने अस्पताल में? अपनी बच्ची को डिलीवरी होने दी। हाँ, डिलीवरी होने दी छिड़ाई से। तो यहाँ में अस्पताल वान की लापरवाही है जो का? हमें तो लापरवाही अस्पताल वान की सबकी दिखानी, कहाँ है ज्यादा पानी? दोपहिया में लाइट नहीं है थी जब जनरेटर चलाओ तो गए? जब थोड़ी है थी। नहीं है तो तुम कर जो कोई चुप की बात है, खड़े होकर सामने वहाँ खड़े होकर देखो। दादा आप कहाँ से आए हैं? हम कला बाम बामोर कला से आए हैं। जनकपुर है सब। हाँ, तो यहाँ पीने के लिए पानी है? कहाँ है पानी? आप कब के आए यहाँ? कम से कम हमें 3-4 घंटा के हो गए। यानी आप शाम के टाइम आ गए थे यहाँ पे? शाम के टाइम से आ गए थे। पीने को पानी नहीं है? मैं जिस जगह फिर आया उस बोतल भरवा भर पाई मैंने उठिया से वो घोड़ा चौड़ा फिर जाए अस्पताल में कहा घूमा। सही बात। और क्या नाम है आपका? भगवान दास जाटा। कहाँ की हैं आप? खनियाधाना वार्ड नंबर 12। आपके साथ जो डिलीवरी लेके आए थे अस्पताल में,
क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि डेढ़ घंटे तक तो ऐसे ही लेटे रहे, डेढ़ घंटे बाद डिलीवरी हुई तो वो भी मोबाइल की टॉर्च जला के डिलीवरी हुई। क्यों, जिस समय डिलीवरी हुई उस समय लाइट नहीं थी? नहीं, लाइट करीबन दो घंटे ढाई घंटे थी नहीं। फिर आपने बोला नहीं अस्पताल प्रबंधक से? नहीं, हमने किसी को नहीं बोला, ना हमें पता था किसी को। तो ऑपरेटर वगैरह की पूछी होगी, जनरेटर की पूछी होगी? हाँ, जनरेटर की तो पूछी थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि चालू कौन करता है इसको। अच्छा, यानी आपकी मोबाइल की फ्लैश की रोशनी में डिलीवरी हुई है? हाँ, हमारे मोबाइल और एक मैडम के मोबाइल के दो मोबाइलों से। आपको किसने बोला कि मोबाइल में होगी, मतलब जनरेटर क्यों नहीं जलाया गया? जनरेटर का हमें पता ही नहीं था। नहीं तो इसमें आप क्या कहेंगे, अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही है? लापरवाही है पूरी तरीके से। पैथोलॉजी वाले सर, रात की एक घटना है, रात में जो डिलीवरी हुई है वो लाइट में ना होके मोबाइल के फ्लैश के जरिए डिलीवरी कराई गई है। देखिए, इस प्रकार की तो आप मेरे को बता रहे हैं, क्या है, रात में जो लाइट चली गई थी, रात में ही वो चेंज ओवर ख़राब हुआ है उसका, तो जनरेटर से जो लाइट जाती है, सप्लाई होती है, तो लाइट क्या है कि अंदर हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं हो पाई, तो अभी उस चेंज ओवर को मैंने सही करा दिया है और जनरेटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर, मरीजों द्वारा आए दिन शिकायत आ रही है कि जनरेटर होने के बावजूद भी लाइट से चालू नहीं रहती है, क्या कारण है, और वाटर कूलर में निरंतर पानी गर्म आता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक वाटर कूलर लगा है और पेशेंट लोड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इतना टेम्परेचर है तो हो जाता है, लेकिन जो कल जो आप बता रहे हैं कि गर्म पानी आ रहा था, तो किसी ने उसका स्विच ऑफ ऑफ कर दिया था, जिस वजह से गर्म पानी आ रहा था। जब सुबह उसको देखा तो उसका स्विच ऑफ था, ऑन किया तो नॉर्मल पानी आ रहा है उसमें। शिकायतकर्ता ने आपको कॉल पे जानकारी? हाँ, तो मैंने बताया था भाई, हाँ मैंने उससे बात की थी, मैंने उससे बोला कि उसको दिखवा लेंगे, पानी सही आ रहा था सुबह जब मैं था यहाँ पर, पानी सही आ रहा था, लेकिन शाम के टाइम से ही किसी ने उसको स्विच ऑफ कर दिया। अब मेरे को रात में 11 बजे बोला, तो मैंने कि भाई सुबह दिखवाऊंगा मैं उसको, अभी उसको देखा तो सही पानी आ रहा है। नगर के लोगों को ये